ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस. हर केस में मेरे को पोजिशन भी बताना है, नेचर भी बताना है और मैग्निफिकेशन बताना है. ठीक है, चलिए जी. मैग्निफिकेशन का सीधा सीधा याद रखिए, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच टू अपॉन एच वन. अच्छा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट को इतनी दूरी पर रखा जा रहा है. ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर वन है इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो यू इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, ये हो गया. उसके बाद अच्छा, एक चीज और देखिएगा, कॉनकेव मिरर. एक चीज ना बिल्कुल दिमाग में बिठाने वाली है कि जैसे कॉनकेव मिरर है. अच्छा, अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें रे डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला जाता, तो उसमें रे डायग्राम बनाने की जबरदस्ती जरूरत भी नहीं है. आपको क्या करना है, दबा दो उसको, दबा दो, हो जाएगा, मन आवाज आएगी टक से. हाँ बस, जैसे गुड इवनिंग, जैसे ये कॉनकेव मिरर है. अब हमने ये देखा था ना कि कोई भी मिरर है, वो कोई भी मिरर बनता कहाँ से है, वो बनता, कोई भी मिरर जो है वो बनता तो किसी ना किसी स्फीयर से ही है ना, किसी ना किसी स्फीयर से बनता है. अब मान लीजिए जैसे ये कॉनकेव मिरर है. अच्छा, आप कहेंगे कॉनकेव मिरर को ऐसे क्यों बना रहे हैं, ऐसे उल्टा क्यों नहीं बना रहे हैं? भाई क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखना है. एक कन्वेंशन लेकर चलते हैं, कन्वेंशन मतलब नियम लेकर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही रखना होता है. तो अब भाई जब हमने कॉनकेव मिरर ऐसे बनाया है और इसको मैं ऐसे कंप्लीट करूंगा, इस तरह से कंप्लीट करूंगा, तो इसका सेंटर इधर ही होगा ना, लेफ्ट में. अच्छा, जब सेंटर इधर होगा, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका जस्ट हाफ जो है वही तो फोकल लेंथ होता है. ठीक है, तो पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर करे जाते हैं, तो कॉनकेव का फोकस कहां पर होगा, हमेशा लेफ्ट में. इसका मतलब कॉनकेव की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव. ठीक है, उसी तरह से अब जरा उल्टा देखते हैं, कॉन्वेक्स. तो कॉन्वेक्स को इस तरह से बनाएंगे, कॉन्वेक्स में जो बल्जिंग आउट सर्फेस, उभरा हुआ सर्फेस है, वहां पर मिरर होता है और पीछे पेंट करा हुआ होता है, पॉलिश करी हुई होती है. ठीक है, तो अगर इसका आप स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, इसका मतलब फोकस इधर, पोल यहाँ पर है, यानी कि फोकस, फोकल लेंथ आप इसकी कहाँ कैलकुलेट करेंगे, राइट की तरफ. तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव. अच्छा, यू कितना दे रखा है, माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. और इसके बाद देखिएगा, इन्होंने बोला है इन फ्रंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, सेकेंड है 5 सेंटीमीटर. तो सेकेंड केस बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट केस देखेंगे. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, आर अपॉन टू विद अ माइनस साइन, विद अ माइनस साइन. ब्रैकेट में लिखिएगा कॉनकेव, कॉनकेव. ठीक है, और ये हमारे पास हो गया माइनस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना, 15. तो ये हो गया माइनस का 7.5 सेंटीमीटर. ठीक, ये हमारे पास फोकल लेंथ हो गई. फोकल लेंथ के बाद में अब ये क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस. ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन बतानी है. ठीक है भाई, यू और एफ है ना, बस मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए. बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, 1 अपॉन f को 1 अपॉन माइनस 7.5 लिख दो. एक्चुअली ये f ही तो है, माइनस 15 बाई 2, इसी को, इसी का रेसिप्रोकल कर दो ना, माइनस 2 अपॉन 15. तो लिखिएगा माइनस का 2 अपॉन 15. ठीक, ये प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस, और माइनस 1 अपॉन 10 बन जाएगा, उधर जाकर प्लस. 1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 15 प्लस का 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 15 और 10, ये हो गया 30. 15 2 जा 30, 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1,
वन अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 30, तो वी इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर, वी इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, ये तो हो गई पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज का मतलब ये है कि आपसे वी पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिएगा क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द पोजिशन, नेचर, नेचर बताएंगे जरा, ये जो पोजिशन है यही आपको नेचर बता देगी। पोजिशन क्या आया, माइनस 30, माइनस 30 का मतलब क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। इसका मतलब क्या है, ये पोल से सारे डिस्टेंस लिए जाते हैं, यानी कि इमेज भी तो लेफ्ट साइड में ही बन रही है, तभी तो नेगेटिव आया, तभी तो नेगेटिव आया। और लेफ्ट साइड में यानी कि मिरर के सामने बनने वाली इमेज रियल होती है या वर्चुअल होती है, रियल होती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं ये, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है H2 अपॉन H1 और एक होता है माइनस V अपॉन U। ठीक है, V अपॉन U मत कर देना, माइनस V अपॉन U। ठीक, ये दो, एक दो चीजें याद रखना, जब हम लेंस की बात करेंगे तो लेंस में मैग्निफिकेशन V अपॉन U होता है, यहां माइनस V अपॉन U होता है मिरर में। तो मैग्निफिकेशन इज माइनस V अपॉन U, तो माइनस V कितना है, माइनस 30 अपॉन U कितना है, माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस 30 अपॉन 10, ये हो गया माइनस 3, तो मैग्निफिकेशन इज माइनस 3। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद सेकंड केस देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर, और अब ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। ठीक है जी, तो सेकंड पार्ट में u इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या माइनस 5, माइनस 5, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रखा जाता है, तो वो माइनस 5 ही आएगा। मिरर तो सेम है, तो फोकल लेंथ थोड़ी बदलेगी, फोकल लेंथ वही रहेगी जो थी, तो फोकल लेंथ क्या है, माइनस 15 अपॉन 2। एफ इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 सेंटीमीटर, तो बाई मिरर फॉर्मूला वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू वन अपॉन एफ है ना, तो माइनस 2 अपॉन 15, माइनस 2 अपॉन 15 प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस, तो माइनस 1/5 हो जाएगा, उधर जाकर प्लस का 1/5, तो प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, तो ये हो गया 15, यहाँ आ गया माइनस 2, 5 3 15, 3 1 3। ठीक है, तो प्लस 3 माइनस 2 इज 1, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, तो वी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पोजीशन जो है ना, पोजीशन ऑफ इमेज आ रही है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड पर बन रही होगी, और राइट हैंड साइड पर बन रही है तो बिल्कुल सही, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन फिर वही माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, तो माइनस वी की जगह लिखेंगे 15 और यू कितना था, माइनस 5, माइनस माइनस 3। मैग्निफिकेशन में कुछ मत कर देना कि मैग्निफिकेशन में कोई सेंटीमीटर वगैरह लगा दो, मैग्निफिकेशन रेशियो होता है। चलिए जी, तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहे हैं ये, इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार यू ग्लैंस एट द रियर व्यू मिरर, आर इज इक्वल टू 2 मीटर, आर इज इक्वल टू 2 मीटर मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर का दे रखा है, एंड नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग, नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग। तो आप एक कार में बैठते हैं, कार रुकी हुई है, कार रुकी हुई है, कार रुकी हुई है, तो आप ये समझिए जब कार रुकी हुई है तो कार का मिरर भी रुका हुआ है, कार का मिरर भी रुका हुआ है, लेकिन एक जॉगर जो है वो भागता हुआ आ रहा है।
है ना, एक जॉगर भागता हुआ आ रहा है। अच्छा, तो जब वो भागता हुआ आ रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जॉगर के और मिरर के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। अच्छा, एंड नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग, इफ द जॉगर इज अप्रोचिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अगर जॉगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अप्रोच कर रहा है, हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर एंड 9 मीटर अवे। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज इतना इतना इतना। ये आपको चार अलग अलग केसेस दे रखे हैं। अच्छा जी, किस तरीके से करेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर टू में देखिएगा, इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार यू ग्लैंस एट द रियर व्यू मिरर, आर इज इक्वल टू 2 मीटर। कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? रियर व्यू मिरर कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा से ही कॉन्वेक्स मिरर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो जॉगर सीधा दौड़ता हुआ है, वो उल्टा ना दिखाई दे, कि सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा ना दिखाई दे। तो इसलिए हम हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही उसमें बनाना चाहते हैं ताकि हमको व्हीकल्स पीछे से आते हुए सीधे दिखाई दे, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स मिरर। रियर व्यू मिरर इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और आर इज इक्वल टू 2 मीटर दे रखा है। तो आर इज इक्वल टू 2 मीटर, इट इम्प्लाइज दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर अपॉन टू, तो फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाएगी, है ना, मीटर में ही रहने देंगे उसको। अच्छा, एंड नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग, इफ द जॉगर इज अप्रोचिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, कॉन्वेक्स मिरर बना लिया मैंने। ए बी, ये उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी। अब ये जो है 5 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है, तो हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस, समझते हैं, बैठो, गुड इवनिंग। वो स्कूटी बना कर दी होगी उधर वाले गेट पर। हाँ, स्कूटी से ना इस वाले गेट पर आ जाओ, वो एक एक्सीडेंट। हमने कहा कुछ कार्ड बनते हैं, एक गेट पे कार्ड बनता है, दूसरे गेट पे ना कार्ड बनता है, पर पुलिस थाने जाऊंगा अभी। कहां तो ये क्या है, कौन सा कार्ड? एंट्री के लिए कार्ड बनवा के चुप करवा दो। उन्होंने नहीं कहा तो। अच्छा, अभी अभी अब पहले वहां लड़े, वहां पे सिर्फ वहां लड़े पे। अरे मुझे एक बार फोन कर लेते ना, वो भी बेचारा वो साइकिल वहां खड़ी करके आया है। अब आप कैसे आए हो वहां खड़ी करके आए हो क्या? मैं कह रहा हूँ आएंगे थोड़ी, अब तो घुमा के लाए। गेट नंबर 1 से आ गए ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।
अभी ये ऐसा ही रहेगा, कुछ दिन अभी ऐसा ही रहेगा। और कुछ मैंने शायद बताया तो था तुम्हें, एक्सीडेंट हो गया था एक, इसलिए स्कूटी वगैरह मना कर रहे थे। रुपाली वाले में टीवी देनी चाहिए। अच्छा, तो अब आप ये देखिए, ये डिस्टेंस नहीं पता मेरे को कितना है। डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो दे नहीं रखा, लेकिन वो जो जॉगर है वो इसकी तरफ भाग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लगातार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है। और वो जो बढ़ रहा है इसकी तरफ, वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं, तो इसको DU/DT बोल दूंगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये समझ गए? अब ये मत सोचना कि u यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। फिर मन में ये आएगा कि अच्छा नहीं, DV/DT तो एक्सेलरेशन होता है, ये तो हमको मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो उस चीज में कंफ्यूज मत होना। अभी इमेज की बात करूंगा तो फिर वो DV/DT लगेगा आपको, ठीक है। DV/DT पर तो पक्का यकीन हो जाएगा कि ये एक्सेलरेशन ही है। नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किस हिसाब से चेंज हो रहा है? जॉगर बढ़ रहा है कि हर सेकंड उसकी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर बढ़ रहा है, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया DU/DT। अच्छा जी, फोकल लेंथ मेरे को मालूम है 1 मीटर है। फोकल लेंथ चेंज हो नहीं सकती, फोकल लेंथ ऐसी ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? कॉपी हाँ, कैसे करूँ? कॉपी कैसे करूँ? न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ अभी, एक करवाया दूसरा करवा रहा हूँ। पेज नंबर है 17। अच्छा, फिर हम ये जानते हैं कि बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ये हमको मालूम है। अच्छा, अब क्या करें? वी तो पता नहीं है, तो वन अपॉन वी और डिफरेंशिएट करेंगे एक सेकंड में 5 मीटर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, इसमें लॉग लेना पड़ेगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। मैं डिफरेंशिएशन वाला मेथड पकड़ रहा हूँ। एक मेथड और भी है कि पहले इतना डिस्टेंस था, अब मान लिया कि टी सेकंड्स बाद, वो थोड़ा सा लंबा लगता है। इसको समझने की कोशिश करना, ना आए समझ में तो बता देना, फिर दूसरे मेथड से बता दूंगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या करेंगे? DV/DT ऑफ वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, इज इक्वल टू DV/DT ऑफ वन अपॉन एफ। तो अब एक चीज देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, अब जैसे मान लो वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स को हम क्या बोल देते हैं? x की पावर -1। और जब हमसे ये कहा जाता है कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट आप इसको ऐसे करते हैं DV/DX करके, DV/DX ऑफ x की पावर -1। x की पावर -1 का डिफरेंशियल क्या होता है? -1 x की पावर -1 -1, यानी कि -1 x की पावर -2।
ये हो जाता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो जाता है। लेकिन है क्या कि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना। यहाँ पर क्या करा, ये तो आपने एक्स की पावर माइनस वन को डिफरेंशिएट करा, ठीक है, यानी कि आपने इसकी पावर वाला फंक्शन लगाया, डिफरेंशिएट कर दिया। फिर एक्स को भी तो करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे कर देते हैं डी एक्स बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स तो हमेशा वन ही होता है, तो इसलिए माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बोल देते हैं इसको। लेकिन यहाँ करा जा रहा है टी के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या करेंगे, वन अपॉन वी को तो लिखेंगे माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी। इसी तरह से इसको लिखेंगे माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। और वन अपॉन एफ एक कॉन्स्टेंट है, तो वन अपॉन एफ एक कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एफ की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, वो वन मीटर है, तो वो आपका जीरो हो जाएगा। ये हो गया जीरो। अब माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी, माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी, माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर, और डी यू बाई डी टी की वैल्यू हमको पता है वो कितनी है, फाइव। इज इक्वल टू जीरो। क्या हुआ, अच्छा तो ये क्या हो गया, फाइव हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो डी यू बाई डी टी है, ये डी यू बाई डी टी को 5 मीटर पर सेकेंड लूंगा या माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, ये डिस्टेंस ना लगातार कम हो रहा है, और जब डिस्टेंस लगातार कम होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ये कहता है कि आप उसको नेगेटिव लेंगे। अगर कोई चीज़ लगातार बढ़ रही है ना, अगर ये जॉगर यहाँ से दूर भाग रहा होता तो ये डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा होता तब मैं इसको पॉजिटिव ले लेता, ठीक है। तो ये कम हो रहा है इसलिए माइनस 5 मीटर पर सेकेंड हमने ले लिया, ठीक। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। अभी मेरे को डी वी बाई डी टी निकालना है, ना तो भाई यू स्क्वायर का कुछ पता चल रहा है ना वी स्क्वायर का, क्या करें। ये जो इक्वेशन बनी है इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। और फिर हम ये कहेंगे कि क्योंकि जॉगर जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड, अब जरा सुनिएगा, अब इन्होंने चार ऑप्शंस दे रखे हैं। वो कह रहे हैं इफ द जॉगर इज अप्रोचिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर अवे, जॉगर इज 39 मीटर अवे। तो क्या करेंगे, वी और यू यहां से निकालेंगे। हम ये कहेंगे ए पार्ट व्हेन यू इज इक्वल टू माइनस 39 मीटर, ये समझ गए, व्हेन यू इज इक्वल टू माइनस 39 मीटर, क्योंकि यू तो हमेशा नेगेटिव में ही रहेगा ना, और फोकल लेंथ वो फिक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है तो भाई फोकल लेंथ तो पॉजिटिव रहेगी, तो ये हो गया 1 मीटर। सो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन माइनस 39 इज इक्वल टू वन अपॉन वन, वन अपॉन वी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वन माइनस एक्चुअली प्लस 1 अपॉन 39, तो 1 अपॉन वी हो जाएगा 39 प्लस 1 अपॉन 39, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 40 अपॉन 39। 1 अपॉन वी की वैल्यू हो गई 40 अपॉन 39। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि ये मेरे पास 1 अपॉन वी की वैल्यू आ गई, तो भाई वी की वैल्यू हो गई 39 अपॉन 40, ठीक। अच्छा, अभी इसको सिंप्लीफाई वगैरह कुछ डिवाइड वाइड करने के चक्कर में, पॉइंट्स वॉइंट्स के चक्कर में मत पड़ना, अब आगे चल रहा हूँ। जरा मुझे क्या निकालना है, डी वी बाई डी टी निकालना है, तो वी आ गया, यू दे दिया माइनस 39, वैल्यू डाल दो, डी वी बाई डी टी निकाल लो। ये क्वेश्चन मैंने गलत डाल दिया यहाँ पर, शुरुआत में इतना टफ कराना नहीं चाहिए था, पर चलिए मैं बता दूंगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब सुनिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन वन यहां से हम ये कहेंगे कि डी वी बाई डी टी इंटू माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है,
माइनस फाइव अपॉन यू स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस फाइव अपॉन यू स्क्वायर, एक्चुअली माइनस फाइव लिखेंगे, उधर जाकर माइनस माइनस प्लस, उधर जाकर माइनस ही हो जाएगा, माइनस फाइव अपॉन यू स्क्वायर। फिर ये माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर है, पहले तो फिर इस माइनस से इस माइनस को काट दो, तो डी वी बाई डी टी ये कितना हो जाएगा, फाइव अपॉन यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन अपॉन वी स्क्वायर, फाइव अपॉन यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर, समझ गए? ठीक है, अब फाइव अपॉन, हाँ जी, यू कितना है, माइनस थर्टी नाइन, तो माइनस थर्टी नाइन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी कितना है, थर्टी नाइन अपॉन फोर्टी, तो थर्टी नाइन अपॉन फोर्टी का होल स्क्वायर। अब फाइव अपॉन माइनस थर्टी नाइन का स्क्वायर करेंगे तो भी तो थर्टी नाइन का स्क्वायर ही आएगा, और ये भी थर्टी नाइन का स्क्वायर, और ये फोर्टी का स्क्वायर, फोर्टी का स्क्वायर सीधा लिख रहा हूँ सोलह सौ, थर्टी नाइन स्क्वायर से थर्टी नाइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करेंगे, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन इज वन, सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन इज वन, और थ्री ट्वेंटी, वन अपॉन थ्री ट्वेंटी, ठीक है। थर्टी नाइन मीटर है, वन अपॉन थ्री ट्वेंटी, देखना कुछ गलती करी है क्या हमने, फोर्टी का स्क्वायर तो सिक्सटीन हंड्रेड ही होगा ना, वन अपॉन टू एट्टी मीटर पर सेकेंड है, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, ये ठीक था, माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी, माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, और इधर तो वन अपॉन वन रहेगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल तो जीरो ही हो जाएगा, वो जीरो हो गया, ठीक है। जहाँ तक है अपना यू की वैल्यू माइनस थर्टी नाइन मीटर है, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन थर्टी नाइन, फोर्टी अपॉन थर्टी नाइन हो जाएगा, तो वी हो जाएगा थर्टी नाइन अपॉन फोर्टी, डी वी बाई डी टी इन टू दिस, वो माइनस माइनस प्लस, उधर जाकर माइनस, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। और फाइव अपॉन यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई वन अपॉन वी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, हाँ सीधा है, फाइव वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर ही आएगा, फाइव वी स्क्वायर, ठीक है। अपना वन अपॉन थ्री ट्वेंटी ही है इसका आंसर, पता नहीं वन अपॉन टू एट्टी क्यों लिखा हुआ है, वन अपॉन थ्री थ्री ट्वेंटी है, ठीक है। अच्छा जी, मैथ्स वाले बच्चों को शायद ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी या नहीं आया, ठीक है। चलो, जो वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स, सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि वन अपॉन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ये तो पता ही है, ये तो पता ही है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, वन अपॉन वी दे रखा है और वन अपॉन यू दे रखा है, लेकिन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी क्यों करा जा रहा है डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है, और ये वी हो गया और यू हो गया, ये दोनों डिस्टेंसेज ही हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जैसे वन अपॉन वी है, तो वन अपॉन वी का सीधा सीधा याद रखिए भाई, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, वो वन अपॉन वी का माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर होगा, लेकिन साथ में डी वी बाई डी टी भी करेंगे, वन अपॉन यू का माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर होगा, लेकिन साथ में डी यू बाई डी टी भी करेंगे, और इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल ये तो बायो वालों को भी पता होगा, इसका डिफरेंशियल तो सीधा सीधा जीरो ही होता है, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, और फिर आप देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन एरर तो कहीं है नहीं, हमने क्या करा, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू की हेल्प से वी की वैल्यू निकाली और फिर इसको यहाँ पर डाला। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इक्वेशन नंबर वन, ये आगे के चारों केसेस के लिए सेम रहनी है, इसमें कहीं कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि जॉगर एक ही स्पीड से दौड़ रहा है, तो वन अपॉन थ्री ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड आ गया डी वी बाई डी टी, सभी को क्लियर है, हाँ ठीक है। तो सेकेंड पार्ट करना जरा ट्राई, वन अपॉन वन फिफ्टी मीटर, ये सॉरी ट्वेंटी नाइन मीटर है, 29 मीटर, सब कुछ बिल्कुल सेम हो जाएगा, ट्वेंटी नाइन अपॉन थर्टी होगा, करो जरा करो, ये सारी चीज सेम है, इसको कुछ नहीं करना आपको, ये इक्वेशन नंबर वन तक बिल्कुल सेम है, इक्वेशन ये बी पार्ट में यू की वैल्यू लेंगे माइनस ट्वेंटी नाइन सेंट, माइनस ट्वेंटी नाइन मीटर, माइनस ट्वेंटी नाइन मीटर, फोकल लेंथ वही है वन मीटर, वी निकालो और फिर उसको इस इक्वेशन में डाल दो,
मुझे बस एक मिनट दीजिए, आप जरा ट्राई करो इसको। ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया ये? सिमर, दिव्यांका, आदित्य, सोमेन, ठीक है एक बार ट्राई करिए। Thank you.
वही कह रहा था कि मैंने शुरुआत में ये गलत क्वेश्चन उठा लिया। शुरुआत तो वो रिफ्लेक्शन से कर चुके थे भाई, वो तो मुझे पता है। क्या अच्छा बात चल रही है? किनका नवाब कौन है? अच्छा 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 ठीक है। पता नहीं। हाँ बताओ क्या 1/180? बता रहा हूँ बता रहा हूँ, 1/180 आ रहा है ना, है ना। इस मेथड से 1/180 आ रहा है। एसएल में देखोगे 1/180 मिलेगा। ठीक है कोई बात नहीं। नहीं नहीं यहाँ नहीं, सेकंड वाले पार्ट का बोल रही है, 1/150। ठीक तो जरा देखिएगा कि इसमें क्या कर रखा है, मैं बताता हूँ। इसमें जो ये आंसर है ना, ये आंसर होता है, ये जो हमने डिफरेंशिएशन से निकाला है। अब मैं दोनों में अंतर बता देता हूँ, उसमें जो ये 1/280 आंसर है और इसमें दोनों में अंतर क्या है ये बताता हूँ। देखिए आपने ना दो तरीके की स्पीड्स देखी हैं। एक स्पीड आपने देखी है, ना तो गलत ये है ना ही गलत वो है। दो तरीके की स्पीड हमने देखी है, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था। एक तो होती थी एवरेज स्पीड और एक होती थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये जो आंसर हमने निकाला है, ये हमने निकाला इंस्टेंटेनियस स्पीड, और निकालना इंस्टेंटेनियस स्पीड ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एन ऑब्जेक्ट सॉरी इफ यू सिट इन अ पार्क कार, इफ द जॉगर इज अप्रोचिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग वेन द जॉगर इज 39 मीटर अवे। यानी कि जब वो मिरर से 39 मीटर दूर होगा, उस इंस्टेंट पर आपको स्पीड बतानी है। तो उस इंस्टेंट पर स्पीड डीवी बाई डी टी निकलेगी। डीवी बाई डी टी हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है अच्छा, और जिस मेथड से 1/280, मैं कह रहा था ना, मैं दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा इसका। तो जिस जो दूसरा मेथड है उस मेथड से 1/280 भी आ रहा है आंसर, लेकिन वो क्या है, वो एक एवरेज स्पीड आ रही है। बताता हूँ क्या है, वो देख लीजिए क्या है। और एक तीसरी वेबसाइट पर देखोगे तो बिल्कुल अलग ही आ रहा है, वो 5/40 आ रहा था आंसर, तो बिल्कुल ही अलग है। तो खैर देखिएगा, वो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है, लिख लीजिए यहाँ सेकेंड मेथड। इसका जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में सबसे पहले ही क्या काम करा गया, सबसे पहले v निकाला गया। तो u जो है ना, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू दे रखी है 39 मीटर, -39 हो गया। f कितना दे रखा है, 1 मीटर, ये हो गया। तो यहां से हमने v निकाला था, उसमें तो कहीं कुछ गड़बड़ है ही नहीं, वो तो 39/40 मीटर ही है। ठीक है
तो जब यू की वैल्यू -39 मीटर थी, यू की वैल्यू जब -39 मीटर थी, तो फिर वी कितना आया? 39/40 मीटर। यहां तक समझ गए? ठीक है। अब वो पता है क्या कह रहे हैं, वो जो 1/280 निकला है वो किस तरह से निकला है? वो ऐसे निकला कि यू है -39 मीटर, समझना गलत नहीं। वो जॉगर कितनी दूरी पर है? 39 मीटर के डिस्टेंस पर है। 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर जाएगा? 5 मीटर। 5 मीटर ट्रेवल कर जाएगा तो गैप कितना रह जाएगा? 34 मीटर। ठीक है। थर्टी फोर मीटर यहां तक समझ गए? ठीक। तो ये हुआ, यहां पर लिख दीजिए इनिशियली, यहां लिख दीजिएगा इनिशियली, इनिशियली ऐसा हुआ। फिर लिखें आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद क्या होता है? 1 सेकेंड बाद यू जो है, यू कितना रह जाएगा? -34 मीटर, -34 मीटर। और फोकल लेंथ वो तो चेंज होगी ही नहीं, वो तो 1 मीटर है। ठीक है। और वी कितना हो जाएगा वो निकालना है। ठीक है, यहां तक समझ गए? वी पहले हमने क्या करा, हमने माना कि वो -39 मीटर पर है, तब हमने वी निकाल लिया। अब हमने कहा कि 1 सेकंड, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकंड से जॉगर दौड़ रहा है। ठीक है। तो 1 सेकंड बाद जो जॉगर है, जॉगर की पोजीशन क्या रह जाएगी मिरर से? 34 मीटर। हाँ, कुछ ज्यादा ही है। हाँ, बोल्ट की बात चल रही है, बोल्ट की बात चल रही है। ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकंड कुछ ज्यादा ही है। ठीक, उड़ रहा है मतलब। तो चलिए यू एफ और बी, अरे अब समतल हो जा। ठीक है, न्यू पुरानी वीडियोस देखें तो ऐसे ही लगता है गांधी जी उड़ते ही थे। चलिए जी, आज हैप्पी गांधी जयंती। अच्छा चलिए जी, तो देखते हैं यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू 1/f -1/u। अब समझ लेना, है बिल्कुल बेसिक मेथड है। ठीक है। और ये मेथड बताने के बाद में फिर आप कहेंगे नहीं मैं यही करूंगा, यही करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन नहीं करना है, जबकि ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यही है, 1/v इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/ -34। ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वन अपॉन वी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/34, 34 बन जा 35/34 मीटर। यहां तक समझ गए? तो भाई यहां से वी की वैल्यू आई 39/40, वी की वैल्यू, और यहां से वी की वैल्यू क्या आई? 34/35 मीटर। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई 1 सेकंड के अंदर, पहले 1 सेकंड पहले तो उसकी जो पोजीशन थी वो ये थी 39/40। 1 सेकंड बाद इमेज यहां पर पहुंच गई, तो 1 सेकंड में डिफरेंस निकाल लो, 1 सेकंड में इमेज ने कितना ट्रैवल करा, वही उसकी स्पीड है। हम ये कहते हैं ना, कितनी? 12 मीटर पर सेकंड। नहीं अभी बताता हूँ, 12 मीटर पर सेकंड वैसे होगा नहीं, हो ही नहीं सकता, 12 मीटर पर सेकंड नहीं होगा। ये तुमने कुछ कैलकुलेट करा है? अच्छा रुको, अभी रुकिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फाइनली, ये हो गया फाइनली। अच्छा तो अब क्या करो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इसको वी एफ बोल दो, इसको वी आई बोल दो। तो वी एफ माइनस वी आई 39/40 -34/35, और 35 और 40 का एलसीएम क्या लेंगे? 280 होगा। 35 47 जा 280, 7 into 39 7 9 जा 63 7 3 जा 21
और 6 27 माइनस 35 सेवन फोर ज़ा 74 ज़ा होता है ना, तो 35 एट ज़ा होगा, 8 फोर ज़ा 32, 8 थ्री ज़ा 24 और 3 27, 272 आ गया 1/280। लेकिन है क्या कि ये स्पीड कौन सी निकाल रहे हैं, वो ये स्पीड वो निकाल रहे हैं 39 मीटर से और 34 मीटर के बीच वाली, है ना, पूरी तरह से गलत। और दुनिया भर की सारी वेबसाइट्स में देखोगे यही सॉल्यूशन दे रखा है, जो कि पूरी तरह से गलत है, अपना बिल्कुल ठीक है। ठीक है क्यों? क्योंकि वो पूछ रहे हैं आपको 39 मीटर पर जब ऑब्जेक्ट है ना उसी टाइम बतानी है उसकी वेलोसिटी कितनी है, इमेज की वेलोसिटी उसी इंस्टेंट पर बतानी है, तो इस वजह से ये आंसर गलत है। पर आप कोई भी उठाओ, टॉपर उठा लो, डाउट नट उठा लो, सार्थक उठा लो, ये तीन चार खुलकर आती है ना, उन सब में 1/280 ये इसी मेथड से दे रखा है। ठीक है, लेकिन सही आंसर इसका 1/320 है। और सेकंड पार्ट जो है, जो आपने निकाला है 1/180, सही वो है। पीछे देख, अगर आप देखोगे वेबसाइट्स पर तो 1/150 मिलेगा। ठीक है, तो बस जी इतना ही कर लीजिए आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ। थैंक यू सर। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, ऐसा आएगा नहीं पेपर में, एक ही बार आया था, आया हुआ है वैसे, एक ही बार आया था।